है सैमसंग का सबसे ऊपर वाला लैपटॉप। ये है तो ऐसे ही बहुत ही लाइट लैपटॉप, बट इसके अंदर हैवी गेमिंग चला देंगे पूरा भाई, टेस्ट करके देखेंगे चला पाता है कि नहीं। इसके अंदर देखो लिखा है इंटेल इनसाइड, मेरे को लगा लैपटॉप। यहाँ पे गैलेक्सी बुक लिखा है व्हाइट कलर के डब्बे पे, व्हाइट कलर में लिखा मुझे समझ नहीं, ब्लैक में लिख देते बढ़िया रहता। ये है गैलेक्सी बुक 4 प्रो, पुराने वाले भी ट्राई कर रखे भाई, इसमें घूमने वाला ये वो, ये वाला नहीं घूमता, इसका बड़ा भाई पूरा योगा वोगा करता। ओ भाई ये तो बहुत ही लाइट है यार। उसके नीचे वो नहीं है। अच्छा ओ भाई ये भी काफी लाइट है, भारी भरकम 3 पिन वाले प्लग होते हैं, फिर ऐसी ईंट सी होती है, फिर उसके बाद चार्जिंग पे जाता है। ये काफी छुटको सा चार्जर, बट भाई मैं तो मोबाइल भी इसे चार्ज कर दूंगा। एक चीज मैंने नोटिस करी, कोई भी प्लास्टिक नहीं है, सारा पेपर पेपर की चीजें दे रखी। वो ये क्या है कुछ अलग सा भाई, ये लैपटॉप के साथ मैनुअल दे रखी है, इससे बड़े तो मैं फर्रे बना लेता था एग्जाम के। भाई ये है वो थिन एंड लाइट AI वाला लैपटॉप। भाई मैं बिल्कुल मजाक नहीं, उंगली से पकड़ के उठा सकता हूँ भाई, उंगली पे भी मैंने बैलेंस कर दिया। इसका वेट 1.23 kg है, पिछली बार से थोड़ा सा बढ़ा दिया है, एक हाथ से आप बहुत ही कंफर्टेबली पकड़ सकते हैं इसको। मैं दो हाथ से ऐसे पकड़ के खोलूंगा ना, मेरे को डिसरेस्पेक्ट सी लगेगी भाई, इसको बनाया गया भाई एक हाथ से पकड़ के उठाने के लिए। इसमें ना एक हाथ से पकड़ा, दूसरा हाथ से आपने खोला, ऐसे टाइप अप कर भाई। साइड से अगर मैं दिखाऊं, ये है एक AA साइज वाली बैटरी, ये है एक AAA साइज वाली बैटरी, ये हमारी पेंसिल, ये USB Type-A वाला जैक है, अच्छा खासा पतला है, पर भाई पतला हल्का होने से कुछ नहीं होता। परफॉर्मेंस अगर जबरदस्त है तभी मजा आता है, उसकी हम टेस्टिंग करेंगे। पर इसके अंदर एक एक्चुअल फैन लगा रखा है, बैक साइड में काफी एक सफाट सी ग्रिल है, यहाँ पे सैमसंग लिखा हुआ, अगर आप रोशनी में देखोगे अलग अलग कलर्स में दिखेगा, पूरा एक मैट फिनिश भाई मेटल में बना रखा है, और हाथ में पकड़ने में काफी प्रीमियम सा लगता है। नीचे की तरफ ऐसे 4 रबर वाले इंडेंट दे रखे हैं, नीचे वाले थोड़े पतले, ऊपर वाले थोड़े मोटे, क्योंकि यहाँ से नीचे वाले थोड़े पतले, ऊपर वाले थोड़े मोटे, क्योंकि यहाँ से फैंस की हवा पास हुई, उस पर गाना वाना भी जा सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा पतला है, बहुत ज्यादा हल्का है, पर तब भी इसके अंदर एक फुल HDMI का पोर्ट है, थंडरबोल्ट वाले 2 टाइप से पोर्ट है, राइट साइड में एक microSD कार्ड का, एक USB Type-A का भी पोर्ट है, एंड हेडफोन जैक भी। USB वाला जो पोर्ट है भाई ऑलमोस्ट उतना ही मोटा है भाई नीचे वाला भी। मेरे को ना मतलब ऐसे दो हाथ से उठा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती की मेहनत कर रहा है, एक हाथ से उठाने के लिए बना भाई। एक चीज और तगड़ी लगी, ज्यादातर ना हल्के लैपटॉप से ना आप एक हाथ से ना स्क्रीन ही खोल सकते, बट इसमें भाई एक ही हाथ से कंफर्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है भाई मेरे लिए, एक हाथ से समझ लो आप कुछ काम कर, दूसरे हाथ से आप लैपटॉप स्टडीज चालू करने हैं, दूसरे हाथ से आप नोट्स बना रहे हो ना। हिंज इसका काफी बड़ा सा है और काफी सॉलिड है, नीचे भाई पूरी कीज भी लगा रखी है, यहाँ पे बैक स्पेस, यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। बट देखो पतला हल्का लैपटॉप बनाने के लिए आप मोबाइल का प्रोसेसर लगा दो, कुछ सारी चीजें फैन वैन सब कुछ हटा दो तो बन जाएगा, बट साथ में भाई गेम वेम भी खेल पाओ, चीजें कर पाओ भाई, वो बड़ी बात है। अभी तक मैंने किसी भी लैपटॉप में इतना तगड़ा डिस्प्ले नहीं देखा है, ये पूरा भाई एक टच स्क्रीन लैपटॉप है, मैं इसे स्वाइप वाइप भी कर सकता हूँ लेफ्ट राइट से, और 120 हर्ट्ज डायनामिक AMOLED है। मैं ऑलमोस्ट इस एंगल से भी दिखाऊं ना तब भी आपको एकदम क्लियर दिखेगा, चाहे मैं ऊपर से आपको दिखाऊं, चाहे मैं आपको एकदम ऐसे नीचे से दिखाऊं, डिस्प्ले आप किसी भी एंगल पे रोक सकते हो, बट मैक्सिमम पीछे ये इतना जाता है, जो आपके मोबाइल के एकदम महंगे वाले डिस्प्ले होते हैं ना उसकी वाली फील आ रही है भाई मेरे को इस लैपटॉप के अंदर। बेसिक जो टच पैड के जेस्चर है वो सारे कर सकते हो, लेफ्ट क्लिक से डबल क्लिक हो जाता है, कर्सर आप मूव करोगे, टैप एंड स्लाइड कर सकते हो, 2 फिंगर से आप राइट क्लिक कर सकते हो, स्क्रॉल पैन पिंच जूम सारी चीजें हो जाती है, 3 फिंगर से आप कॉर्टाना खोल सकते हो और मल्टीटास्किंग थोड़े जेस्चर्स आते हैं, एंड 4 फिंगर से आप अपना कंट्रोल सेंटर खोल सकते हो, एंड चलाने में किसी भी चीज को करने में काफी स्मूथ लगता है, स्पेशली अगर आप टच स्क्रीन यूज कर रहे हो तो एक मोबाइल वाली फील आती है। यूजुअली जितने भी लैपटॉप वाले टच स्क्रीन होते हैं ना, मतलब आप एक बार दबाओगे 2 सेकंड बाद वो चलेगा, एंड काफी मजा सा नहीं आता। एक चीज और मैंने नोटिस करी, इसके बेजल्स बहुत ही ज्यादा कम है, साइड में तो बहुत ही पतले पतले बेजल्स है, ऊपर की तरफ भाई कैमरा के लिए बहुत ही छोटा बेजल लगा रखा है, एंड स्क्रीन में साइड से एक हल्का सा कर्व भी है जो काफी प्रीमियम सी लुक ऐड कर रहा है, ज्यादातर लैपटॉप्स में ना एकदम ऐसे कोना सा होता है। डिस्प्ले कलर्स काफी चटकदार हैं, जैसे आप ये वाली वीडियोस देख सकते हो, स्क्रीन पे कलर्स ना ऐसा बहुत ही ब्राइट वाइब्रेंट कॉन्ट्रास्टी सी फील आती है। सामने जो कैमरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं, है तो छोटा सा बट आपको डिसेंट क्वालिटी आ जाती है, कुछ फीचर्स भी इसमें मिल जाते हैं, एंड जब यूज में होता है तभी ऊपर की तरफ ब्लू लाइट मिल जाती है। ओवरऑल कैमरा ओके है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट के लिए, बट अगर आप सैमसंग का कोई भी फोन यूज करो उसको एज वेबकैम यूज कर सकते हो इस वाले लैपटॉप के साथ। सैमसंग इसको एकदम कॉम्पैक्ट थिन लाइट बनाना चाहता है, उसके लिए कैमरा डिसेंट है बट बिना परफॉर्मेंस के भाई कुछ मजा नहीं आता। इसमें अगर आप देखो भाई नीचे की तरफ इंटेल का ईवो एडिशन लिख रखा है, इस वाले लैपटॉप के 2 वेरियंट आते हैं, हमारे पास
i7 अल्ट्रा वाला वेरिएंट है, एक i5 अल्ट्रा वाला वेरिएंट भी आता है। इस फॉर्म फैक्टर में ये वाला प्रोसेसर तगड़ा है। एक चीज मेरे को और काफी अच्छी लगी, इसके अंदर जो कीबोर्ड है उसके अंदर ऑटो ब्राइटनेस है, मतलब ऑटोमेटिकली समझ जाता है कितनी ब्राइट होनी चाहिए। जो एक्चुअल ट्रैक पैड है पूरा ग्लास का है, तो काफी अच्छे से मतलब उंगली उंगली मस्त स्लाइड हो रही है, यानी कि क्लिकी कीबोर्ड है, कीज बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाती, हल्का सा ही दबती है। इतने पतले लैपटॉप में दो चैलेंज आता है, एक तो आपको फास्ट चार्जिंग यूजुअली देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि इतना पतला और हल्का बनाना होता है इसलिए बैटरी में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। चार्जर आपका 65 वॉट का है, हमने इस लैपटॉप को 1 घंटा चलाया और इसकी 12% बैटरी हम खर्च कर पाए थे। अगर आप एकदम हाई एंड गेम वेम के लिए या आफ्टर इफेक्ट्स के लिए या किसी बड़ी सॉफ्टवेयर के लिए यूज करोगे तो आपको भाई चार्जिंग पे लगा के चलाना पड़ेगा, जो इस फॉर्म फैक्टर के लैपटॉप के हिसाब से काफी इंप्रेसिव। एक चीज और टेस्ट करनी इंपॉर्टेंट होती है, स्पीकर भाई स्पीकर ना यहाँ पे लगा रखे हैं, ये स्पीकर डिसेंट स्पीकर है, आपकी मतलब क्लैरिटी वालिटी बढ़ी आएगी अगर कोई भी गाना सुनोगे। 4 स्पीकर इसके अंदर लगा रखे हैं, 2 वूफर्स हैं, 2 ट्वीटर्स हैं, इसमें एक माइक लगा रखा है नॉइस कैंसिलेशन वाला। स्पीकर ऐसे 1 kg के हैं जो काफी टॉप लेवल वाला काम करते हैं भाई ऑडियो में। लैपटॉप थोड़ा पतला है ना तो स्पीकर डालने की जगह नहीं मिली, तो इसलिए लाउडनेस कम है, क्लैरिटी काफी अच्छी, थोड़े और लाउड हो सकते थे। इस वजह लैपटॉप को बनाया हुआ है प्रोडक्टिविटी के लिए, आपको टच स्क्रीन को यूज करके नेक्स्ट लेवल चीजें करनी है, कुछ प्रोडक्टिविटी करनी है, फोटोशॉप बेसिक एडिटिंग अगर आपको करनी है, या फिर आप ट्रैवल करते हो स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं पे भी लेके जाना। एयरपोर्ट में बैग की लिमिट 7 किलो होती है, बड़े बड़े लैपटॉप लोगे 3-4 किलो के आते हैं। हमने इसके अंदर गेम्स चला के देखी, ये GTA 5 हमने चलाई है और इस वाले लैपटॉप पे ये बेसिक सेटिंग पे चल रही है। जो डिस्प्ले क्वालिटी है उसमें डेफिनेटली काफी सॉलिड मजा आ रहा है, एंड हाथ से GTA 5 खेलने में अलग ही भाई मजा है। हमने काउंटर स्ट्राइक भी ट्राई करा एंड वो तो भाई मस्त स्मूथ चलता है, इसमें नॉक्स वाली सिक्योरिटी ऐड करके जो सैमसंग अपने फोन्स के अंदर या सारे डिवाइसेस के अंदर ऐड करता है, उससे भाई थोड़ा सिक्योरिटी वाला मामला सेट रहा था। सैमसंग ने अपना पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी, सैमसंग का कोई भी फोन है आप वो कनेक्ट कर सकते हो, गैलेक्सी टैब को कनेक्ट करके एक सेकंड डिस्प्ले आप बना सकते हो, फोन से अगर फोटो इसमें आपको इंपोर्ट करनी है तो 2 मिनट में हो जाती है, कॉल्स कर सकते हो, SMS कर सकते हो, और एक और मस्त चीज बताता हूं, इसमें फोन वाली BGMI आप चला सकते हो, फोन से अगर आप कनेक्ट करोगे तो भाई फोन की एप्लीकेशंस इसके अंदर आप डायरेक्टली चला सकते हो, बीच में चला के देगा भाई। ये देखो हमने चला लिया, काफी मस्त चल रही है, काफी अलग सा एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स जीतने में थोड़ा आपको दिक्कत आएगा, बड़े चीटिंग सा तो लग रहा थोड़ा, और ऑफ कोर्स भाई AI तो हर जगह ही है। जैसे आपने फोन से कनेक्ट करा तो उसके बाद कोपायलट में आप टाइप कर सकते हो सेंड अ मैसेज टू वेंकी भाई और ये मैसेज भेज देगा, फोन की जरूरत ही नहीं भाई, सब कुछ AI करेगा। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं भाई, एक 16 GB रैम वाला एंड एक 32 GB रैम वाला, एंड मेमोरी आप अलग अलग चूज कर सकते हो, 1 TB तक मैक्सिमम स्टोरेज ऑप्शन है, एंड ऑफ कोर्स SSD है, एंड 512 एंड 1 TB के एक्सपेंशन स्लॉट्स भी आपको मिल जाएंगे बाद में अगर आपको ऐड करनी हो तो। स्टूडियो प्लस करके सैमसंग की तरफ से एक एप्लीकेशन है जिससे आप वीडियो एडिटिंग आप फ्री में कर सकते हो भाई। वेबकैम में ना ऑटो फ्रेमिंग हो जाती है भाई, आगे पीछे ऊपर नीचे वेंकी भाई मूव कर रहे हैं, ओहो यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड लगा दिया, ब्लर कर दिया, क्यों करना ब्लर, ये आपकी मर्जी। और ईयरबड्स में भी एक स्मार्ट कनेक्ट वाला फीचर है, तो आपके लैपटॉप और फोन में दोनों में एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बेस वेरिएंट का प्राइस 1,31,990 रुपीस, और अगर आप थोड़े हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर लेने जाओगे तो आपको 80,000 के अराउंड सिमिलर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बट इस फॉर्म फैक्टर में इस डिस्प्ले के साथ ये जो पूरा पैकेज प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली भाई एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, आपको काफी सारी चीजें इसके अंदर बेस्ट मिलती है। तो जिनको भाई पतले हल्के प्रोडक्टिविटी वाले नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले वाले लैपटॉप्स पसंद है, उनको ये वाला लैपटॉप डेफिनेटली काफी ज्यादा पसंद आएगा, और हमको भी काफी ज्यादा मजा आया भाई इसको ट्राई करने में। आई होप आपको भी, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।